इस वीडियो में हम बात करेंगे 2007 की फिल्म मैनुअल ऑफ लव 2 के बारे में, जो दी एजेस ऑफ लव का प्रीक्वल है। और ये फिल्म चार अलग कहानियों से बनी है और हर कहानी प्यार के बारे में है। पहली कहानी है निकोला नाम के आदमी की, जो इटली के अपूलिया इलाके में सफर कर रहा था और सफर के बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। निकोला के साथ साथ उस एक्सीडेंट में डारियो नाम के आदमी ने भी अपने दोनों पैर खो दिए और उन दोनों को एक हॉस्पिटल में रखा गया। महीनों तक उस हॉस्पिटल में रहने के बाद वो दोनों मजे करना चाहते थे, पर उन्हें मजे करने से रोक दिया गया। वो दोनों जानते थे कि दिन भर बिस्तर पर पड़े रहने से उनके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे, पर वो समझ नहीं पाए कि डॉक्टर्स उन्हें कमरे में क्यों बंद कर देते हैं। उस दिन निकोला के पास लूशिया नाम की एक खूबसूरत नर्स आई। वो निकोला की नई फिजियोथेरेपिस्ट थी, इसलिए दारियो को जलन महसूस होने लगी। लूशिया ने निकोला का इलाज शुरू किया और वो दिन पे दिन उसे पसंद करने लगा। वो दिन रात लूशिया के बारे में ही सोचने लगा और नींद में उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से दारियो डरने लगा। दारियो इस बात को निकोला की गर्लफ्रेंड सारा से छुपाने के बदले उससे पैसे मांगने लगा, और लाख कोशिशों के बाद भी निकोला लूशिया के करीब आने के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। एक दिन दारियो ने नदीन नाम की लड़की को अपने पास बुलाया और निकोला से कहने लगा कि वो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है, पर फिर निकोला को पता चला कि नदीन एक प्रोस्टिट्यूट है। दारियो ने उसे दरवाजे के बाहर नजर रखने के लिए कह दिया और इस सब की वजह से निकोला घबराने लगा। अचानक वहाँ हॉस्पिटल की नन आई और निकोला उन्हें रोकने की कोशिश में लग गया, पर उस नन को नदीन के बारे में पता चल गया। अपने पैर ठीक करने के साथ साथ अब निकोला का मकसद लूशिया के करीब आना भी था। और एक रात अचानक उसने दारियो को बताया कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। लूशिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, और एक दिन लूशिया को समझ आ गया कि निकोला अब उसे पसंद करने लगा है, मगर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और निकोला को खुशी मिलने लगी, पर फिर उसे पता चला कि दारियो हॉस्पिटल से निकल रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि उसके पैर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। निकोला और लूशिया दोनों ही उसे इस तरह देखकर निराश हो गए और निकोला उसे समझाने लगा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक रात अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हुए लूशिया किसी बात को लेकर परेशान हो गई। वो गहरी सोच में डूब गई, और जब उसके सामने एक टैक्सी रुकी तो बिना वक्त गवाए वो टैक्सी में अपने हॉस्पिटल आ गई। उसे निकोला से प्यार होने लगा था। उसने निकोला को बताया कि एक हफ्ते में उसकी शादी होने वाली है, पर वो सिर्फ निकोला के बारे में सोचती है। उस रात उन दोनों ने प्यार का इजहार किया, पर निकोला को इस बात का पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने सारा को धोखा दिया है। शादी होते ही लूशिया ने हॉस्पिटल छोड़ दिया, और एक दिन निकोला को अपनी नई फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में पता चला। उस औरत को देखकर वो सोचने लगा कि उसे इस फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपने पापों की सजा मिल रही है, और वो इस सजा के लिए तैयार हो गया। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मिलने फ्रैंको और मैनुएला नाम के दो लोग आए। उन दोनों की कुछ महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक बच्चा चाहते थे, पर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फ्रैंको एक पिता नहीं बन सकता। वो दोनों अपनी पसंद के किसी इंसान से सरोगेसी करवा के एक अच्छे जीन्स वाला बच्चा चाहते थे, पर इटली के कानून की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्हें बताया गया कि प्रेगनेंसी के एक महीने बाद उन्हें स्पेन जाना होगा, और वो इसके लिए तैयार हो गए। प्रेग्नेंट होते ही मैनुएला का बर्ताव बदलने लगा। वो मूड स्विंग्स की वजह से परेशान होने लगी, और इस परेशानी का असर फ्रैंको पर भी होने लगा। मैनुएला खुद को बदसूरत मानने लगी थी, इसलिए उसे फ्रैंको पर शक होने लगा। वो सबके सामने तमाशा बनाने लगी और फ्रैंको की बेइज्जती करने लगी, पर फ्रैंको ने उससे कुछ नहीं कहा। उस रात उसने अपनी हरकत के लिए फ्रैंको से माफी मांगी, पर वो उससे नाराज नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके स्पेन जाने का वक्त आ गया, और वो दोनों स्पेन के उस हॉस्पिटल में गए जो किसी 5-स्टार होटल जैसा लगता है। चेकअप होने के बाद वो दोनों टैक्सी का इंतजार करने लगे, और तब उनकी मुलाकात दो अजीब से लोगों से हुई। वो दोनों फ्रैंको और मैनुएला को अपने साथ स्पेन घुमाने के लिए ले जाना चाहते थे, और हिचकिचाते हुए वो दोनों उनके साथ जाने के लिए मान गए। वो चारों बीच पर गए, और मैनुएला को उनकी अजीबोगरीब हरकतों का हिस्सा बनना पड़ा। उन दोनों की वजह से फ्रैंको बीमार हो गया। ऐसा होने पर मैनुएला नाराज हो गई, क्योंकि फ्रैंको का ठीक रहना जरूरी था, और बीमार होने के बावजूद फ्रैंको हॉस्पिटल गया और अपना काम पूरा करके वो मैनुएला के पास लौट आया। वो अब मैनुएला का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा और खुशी खुशी अपने होने वाले बच्चे का इंतजार करने लगा। वो हमेशा से एक बेटा चाहता था, और इसलिए वो अपने बेटे के सपने देखने लगा। वो दोनों वापस अपने घर लौटने के लिए निकले, और फ्रैंको अब पहले से ज्यादा बेचैनी से अपने बेटे के बारे में सोचने लगा। मगर कुछ महीनों बाद उन्हें बताया गया कि उन्हें बेटी होने वाली है।
ये सुनकर फ्रैंको हैरान हो गया, पर वो मैनुएला को ये नहीं बता पाया कि उसे एक बेटा चाहिए था। अंत में उसने अपनी सोच को बदल दिया और खुशी खुशी मैनुएला के साथ अपनी बेटी का इंतजार करने लगा। उस जगह से कुछ दूर फिलिपो नाम का आदमी रहता है जो हमेशा से बच्चे चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि वो एक गे है। फिलिपो के बॉयफ्रेंड फॉस्को ने अपनी बहन एलेना की शादी में उसे परिवार का हिस्सा बनाया, पर फॉस्को के पिता पिछड़ी हुई सोच की वजह से उसे अपनाना नहीं चाहते थे। फिर भी फॉस्को ने हार नहीं मानी। एलेना अपने भाई के सबसे ज्यादा करीब थी, पर जब उसने सबके सामने बताया कि वो चाहती है फॉस्को और फिलिपो की शादी हो जाए, तो उन दोनों को सबके रिएक्शन की वजह से शर्मिंदा होना पड़ गया। फॉस्को के पिता इस सब की वजह से नाराज हो गए और फॉस्को से कहने लगे कि उसकी वजह से उन्हें हर रोज शर्मिंदा होना पड़ता है। वो उसे बुरा भला कहने लगे और कहने लगे कि वो दोनों साथ रह सकते हैं, पर एक दूसरे से शादी कभी नहीं कर सकते। फॉस्को को अपने पिता की सोच पर तरस आने लगा, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। शादी के दौरान हुई चीजों को लेकर फॉस्को और फिलिपो की भी बहस हो गई। वो दोनों इस बात से भी परेशान थे कि इटली में वो कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर पाएंगे। एक दिन फॉस्को की एक दोस्त एस्मेराल्डा उससे मिलने आई और उसने बताया कि फिलिपो फॉस्को के साथ स्पेन जाकर शादी करने वाला है। ये सुनकर फॉस्को हैरान हो गया क्योंकि वो अपने पिता के बारे में सोचने लगा, और जब उसने फिलिपो से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि वो सिर्फ ऐसा करने के बारे में सोच रहा है, अब तक उसने कोई फैसला नहीं लिया। फॉस्को जानता था कि शादी और बच्चे गोद लेने की सोच भी सही नहीं है और इसलिए वो इस सब के लिए तैयार नहीं था। देखते ही देखते उनका झगड़ा बढ़ता गया और फॉस्को से नाराज होकर फिलिपो उससे दूर जाने लगा। उस रात फॉस्को अपने पिता के पास गया और वो समझ गए कि उसका फिलिपो से झगड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने फॉस्को को रात बिताने के लिए अपने घर की चाबियां दे दी। पर जब फॉस्को अपने पिता के घर में पहुंचा तो उसे पता चला कि एलेना अपना हनीमून छोड़कर वापस उस घर में आ गई है। उसका भी अपने पति से झगड़ा हो गया था, इसलिए वो उसे छोड़कर वापस अपने घर आ गई। एक तरफ एस्मेराल्डा फिलिपो को बेहतर महसूस कराने की कोशिश में लगी थी, तो दूसरी तरफ फॉस्को अपनी बहन के साथ बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। उस रात गलती से फिलिपो फॉस्को के पिता की टैक्सी में बैठ गया और तब पहली बार उन दोनों की बात हुई। फिलिपो फॉस्को की तरह बेइज्जती सहने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने साफ साफ फॉस्को के पिता से कह दिया कि उन्हें अपने बेटे की खुशियों के बीच नहीं आना चाहिए। वो उनके सामने आवाज उठाने में कामयाब हो ही रहा था कि तभी एस्मेराल्डा वहां आई और उसने सारी बात बिगाड़ दी। कुछ देर बाद फॉस्को फिर से अपने घर लौट आया, पर वो दरवाजा नहीं खोल पाया। उसने वहां मौजूद कुछ लड़कों से मदद मांगी, पर जब उसने शुक्रिया अदा करने की कोशिश की तो उन लड़कों ने उसे गे होने की वजह से पीटना शुरू कर दिया। बात हाथ से निकल गई और उन लड़कों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। इस बात से अनजान फिलिपो इस बात की खुशी में गुम था कि फॉस्को के पिता के खिलाफ उसने आवाज उठा ली है। फॉस्को को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया और फिलिपो उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। उन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और उनका झगड़ा सुलझ गया, जिसके बाद फॉस्को इस जगह से निकलकर स्पेन जाने के लिए और फिलिपो से शादी करने के लिए मान गया। वो दोनों स्पेन तो चले गए, पर अपनी शादी के अपॉइंटमेंट के लिए देर से कोर्ट पहुंचे और देर होने की वजह से उनके विटनेस वहां से चले गए। फिलिपो आते जाते लोगों को विटनेस बनने के लिए कहता रहा ताकि उनकी शादी हो जाए और फॉस्को अपना मन ना बदले। किसी तरह सेसिलिया नाम की एक लड़की विटनेस बनने के लिए तैयार हो गई। उस दिन शादी के दौरान सेसिलिया ने जब फॉस्को और फिलिपो को देखा तो उसे पहली बार समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। जल्द ही सेसिलिया की जिंदगी में अर्नेस्टो नाम का आदमी आने वाला था, जो रोम के एक आलिशान रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। अर्नेस्टो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, पर एक रात उसकी सेसिलिया से मुलाकात हुई और उसकी जिंदगी बदलने लगी। अर्नेस्टो सेसिलिया को तुरंत ही इम्प्रेस करने की कोशिश में लग गया और सेसिलिया ये जानकर खुश हुई कि उसे रेस्टोरेंट में अर्नेस्टो की वजह से नौकरी मिली है। अर्नेस्टो को लगने लगा कि सेसिलिया उसे पसंद करती है और वो उसी के बारे में सोचने लगा। अगले दिन काम करते हुए अर्नेस्टो को पता चला कि किचन में कोई सेसिलिया से लड़ाई कर रहा है। उस लड़ाई को सुलझाकर उसने सेसिलिया की मदद की और धीरे धीरे सेसिलिया और उसकी दोस्ती बढ़ने लगी। एक रात वो दोनों छत पर अकेले मिले, पर अचानक वहां कोई आ गया और उन्हें छुपना पड़ा। अर्नेस्टो को तब पता चला कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई है और अर्नेस्टो के वहां होने का सच छुपाने के लिए सेसिलिया ने उससे कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई है। सेसिलिया और अर्नेस्टो के बीच दोस्ती थी, पर उस रात सेसिलिया को सच में अर्नेस्टो से प्यार होने लगा। उसने अर्नेस्टो को बताया कि बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और प्रेग्नेंट होते ही उसका पति भी उसे छोड़ गया, इसलिए उसे कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं।
सेसिलिया के पिता एक बस ड्राइवर है जिन्हें देखने वो कभी कभार बस से सफर करती है, पर उसके पिता आज तक उसे पहचान नहीं पाए। वो हर रात अर्नेस्टो से छत पर मिलने लगी और अर्नेस्टो उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता रहा। सेसिलिया अर्नेस्टो के साथ सुरक्षित महसूस करती थी और उसके साथ एक अफेयर शुरू करना चाहती थी। ये सुनकर अर्नेस्टो हैरान हो गया और उन दोनों का अफेयर जल्द ही शुरू हुआ। सेसिलिया हर जगह अर्नेस्टो के साथ घूमने फिरने लगी और उसके साथ रहकर अर्नेस्टो पहले से ज्यादा जवान महसूस करने लगा। मगर एक रात वो किसी के बंगले में घुस गए और उस बंगले के मालिक का कुत्ता अर्नेस्टो के पीछे पड़ गया। किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले, पर उस घर का मालिक उनके सामने आ गया और वहाँ से निकलने के लिए अर्नेस्टो को उसे कुछ पैसे देने पड़े। उस रात अर्नेस्टो जब घर लौटा तो उसकी पत्नी समझ गई कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। अर्नेस्टो ने उसी रात अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया, पर उसकी पत्नी ने उसे माफ कर दिया। इस सबसे हैरान अर्नेस्टो समझ नहीं पाया कि धोखा खाने पर भी वो उसके साथ नई शुरुआत क्यों करना चाहती है, और वो ये कहकर वहाँ से निकलने लगा कि उसे धक्के देकर घर से निकाल देना चाहिए और वो इसी के लायक है। धीरे धीरे अर्नेस्टो को समझ आने लगा कि सेसिलिया और उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है और वो उम्र की वजह से सेसिलिया की जवान जिंदगी झेल नहीं पाएगा। सेसिलिया उसे अपने साथ पार्टीज में भी ले जाने लगी, पर एक रात नाचते हुए उसे दिल का दौरा पड़ गया। अगली सुबह होश आने पर अर्नेस्टो ने हॉस्पिटल में उससे कह दिया कि उसे यह अफेयर कभी शुरू करना ही नहीं चाहिए था। वो समझ गया था कि उसे अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ ही बितानी चाहिए और इसलिए उसने इस अफेयर को खत्म करने का फैसला किया। अर्नेस्टो और सेसिलिया ने सिर्फ दोस्त बनकर जीने का फैसला लिया और अंत में सेसिलिया अपने पिता के पास गई और उसने उन्हें बता दिया कि वो उन्हीं की बेटी है। सेसिलिया के पिता ने अब भी उसे अपनाया नहीं, मगर इस बात से निराश होने के बजाय वो खुशी खुशी वापस अपने घर लौट गई। लुसिया ने उसी आदमी से शादी की थी जिसका रेडियो शो हर कोई सुनता है और उसी शो के जरिए अर्नेस्टो अपनी कहानी बताने लगा। उसने बताया कि अब भी वो सेसिलिया के बारे में कभी कभार सोचता है, पर जब वो अकेले वक्त बिताता है तो उसे एहसास होता है कि वो किसी से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना वो अपनी पत्नी से करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।